मध्य प्रदेश से आ रही है। तो मध्य प्रदेश में संघ परिवार 9 जिलों में घर वापसी अभियान चलाएगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को कमान सौंपी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी विश्व हिंदू परिषद घर वापसी अभियान चलाएगा, तो वहीं इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद लोगों को बताएगा कि उनके पूर्वजों ने कब धर्म परिवर्तन किया था। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद का शिविर 7 अगस्त तक चलेगा। शिविर में 7 अगस्त को जहां संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं 9 जिलों में ये अभियान चलेगा, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने कमान संभाल ली है। और इसी कड़ी में एक नारा यहां पर दिया जाएगा जो होगा कि 0% धर्मांतरण, 100% घर वापसी। इस नारे के साथ यहां पर घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं जानकारी के अनुसार भोपाल, सिरोह, बैतूल, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना जिले में ये अभियान चलाया जाएगा। तो भोपाल से इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी, क्या ये सब कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से नारा दिया जाएगा और किसकी घर वापसी की बात चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो डॉक्टर मोहन भागवत है उनका दौरा चल रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। और इसी में एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि हिंदुओं की घर वापसी के लिए यहाँ पर एक खास अभियान चलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी कमान संभाल ली। अगर हम बात करें तो इसको एक नारा भी दिया गया है और इस नारे को अगर हम बात करें तो 0% धर्मांतरण और 100% घर वापसी, ये दो नारे विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर दिए हैं और इसकी कमान भी संभाल ली है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 जिलों में जो है घर वापसी को लेकर अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें भोपाल का भी नाम चिन्हित किया गया है। देखिए, अलग अलग जगह से जो है लोग आने वाले हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं जहां पर ऐसी चीजें सामने आई है और कई जिलों में हमने देखने को मिला है। भोपाल में भी हमने देखा था क्रिश्चियन स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद जो है वो एक्टिव हो गया और अभी जो 21 दिवसीय शिविर यहां पर चल रहा था स्वयं सेवकों का, यहां पर लगातार उसमें बैठक हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर मोहन भागवत है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है और यहां पर लगातार बैठकें चल रही हैं और इसी में घर वापसी अभियान अब यहां पर डॉक्टर मोहन भागवत के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद चलाने वाला है। 4 अगस्त तक जिसमें आरएसएस मोहन भागवत जी शिविर में रहे थे, जो 2 से 4 अगस्त तक चलाया गया था, क्या उसी दरमियान ये फैसला लिया गया, उसी के बीच ये रणनीति बनाई गई? जी देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बैठक में शामिल होने भोपाल में मोहन भागवत यहां पर पहुंचे हैं और उसी वक्त ही रणनीति तैयार हुई है। अलग अलग रणनीति तैयार हो रही है। संघ खुद को और विश्व हिंदू परिषद को यहां पर एक्टिव करने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है और एक्टिव करने के लिए यहां पर तरह तरह के अभियान निकाले जा रहे हैं और उसी में से एक ही अभियान है जहां पर धर्मांतरण को 0% करने का ये अभियान चलाया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद ने कमान संभाल ली है और अब घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।